अपनी उन उन जख्मों की टीसों के सहारे। जब जख्म और टीसे ज्यादा वक्त के लिए रहे ना, तो वो नासूर मच जाती। कभी अपने अबू के अंदर जान कर देखो, कौन से नासूर पल और नासूर के साथ जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। ये बताओ कि आखिर तुम इतने मायूस क्यों? तुम्हारे वो मान तो गए हैं ना। मम्मी मैं मायूस नहीं हूं, मैंने बस अपने जख्मों को अपना दोस्त बना लिया, मैंने इनके सहारे जीना सीख लिया। तुम बैठ जाओ, चुस भी अच्छा आराम से इसमें बस शाबाश, ये मुझे तो नहीं राइट अब जस्ट मैं वैसे इसे बेहतर बना लेता हूँ। वो आपके हाथ की पीके देखूंगी फिर बताऊंगी। चलो डन है। शरीफान देखो कौन है। सलाम अलैकुम। सलाम शहजाद। तुम चलिए शहजाद, हम बाद में आ जाएंगे। पागल हो गए हो तुम? शहजाद सलीम से मिले बगैर कैसे जा सकते हैं? सलीम ये शहजाद हैं, सोले के हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहजाद। और शहजाद ये आपके फादर इन लॉ। क्या क्या कहा आपने? मतलब आपके ससुर। आपने शादी? जाहिर है इसी रिश्ते से तो तुम्हारे ससुर बनते हैं ना। अच्छा लेकिन सोलिया ने तो कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। आप शहजाद दरअसल ये दोनों बहनें हमारे इस रिश्ते से नाराज हैं। लोग क्या कहेंगे, हमारे ससुराल क्या कहेंगे, हमारे शौहर क्या कहेंगे, बस तू भी समझाओ ना इनको। खैर शहजाद बेटा, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्यों ना हम लोग अभी के बाहर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके एक साथ एक फैमिली की हैसियत से डिनर करें? जरूर। नहीं थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं, आज रात का वैसे भी कहीं और का प्लान है। नहीं शहजाद बैठो तो सही, शरीफा बहुत अच्छी चाय बनाती है। शरीफा इन दोनों के लिए चाय बना दो, बैठो तो सही।